हमारे मसानिक व्यूअर्स कैसे हैं आप सब। आज मैं लोन की कुछ शर्ट्स और फ्रॉक्स की डिज़ाइनिंग की है, मैं आपको दिखा रही हूँ कुर्ते की। ये 10 से 12 साल के बच्चे के कुर्ता स्टाइल मैंने स्टिच किए हैं। ये हमारे पास जो बड़े सूटों में से बच जाती होती है अक्सर बॉर्डर वगैरह, तो उसी के साथ मैंने ये सारे सूटों की जो डिज़ाइनिंग की है। ये देखिए बॉर्डर था मेरे पास जो साइड से बचा हुआ, तो मैंने उसके साथ का सादा सूट लिया और उसको देखिए चौरस आस्तीन में लगाई है पट्टी और गले पे लगाई है। दूसरा सूट देखें, ये हमारे सेंटर में जोड़ आ रहा था, ये हमारी मेरी बड़े सूट की साइड की कलियाँ निकली, दरमियान में से यहाँ पे जोड़ है। देखो मैंने देखें कैसे इसको यहाँ से स्टिच कर दिया और ये बिल्कुल बुटीक स्टाइल में सूट जो है वो बन गया। ये आपके लिए बेहतरीन आइडियाज़ हैं, जो कपड़े बच जाते हैं आप उनको ज़ाया ना किया करें। और बाजू भी ऐसे ही है, देखिए इसमें मैंने जो है वो शटल लेस की सीढ़ी लेस जो होती है वो लगाई है और बहुत ज़बरदस्त लग रही है। ये कलियाँ जो बड़े सूटों में अक्सर दरमियान में गला होता है और साइड से कलियाँ बच जाती हैं हमारी, ये वो कलियाँ वो दरमियान में उनको जोड़ के तो मैंने इसकी ये डिज़ाइनिंग कर दी है। बहुत ही प्यारा और स्टाइलिश है ये हमारा जो सूट है वो रेडी है तकरीबन 10 से 12 साल की बच्ची का। नेक्स्ट जो मेरी फ्रॉक है वो भी ऐसे ही है, बड़े सूटों की कलियाँ हमारे पास जो डिज़ाइनिंग वाली हैं ये बची हुई थी, तो हमने उसी के साथ का सादा लॉन में लिया और इसको ये देखिए कैसे मैंने डिज़ाइन किया है। हल्के हल्के से प्लेट डाले मैंने फ्रॉक में, ऊपर से मैंने जैकेट स्टाइल में, ये बिल्कुल न्यू फ्रॉक स्टाइल है। अगर आप कहेंगे कमेंट्स में मुझे बताएंगे तो मैं आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो भी ज़रूर दिखाऊंगी। ये बहुत ही प्यारा और स्टाइलिश लगता है पहना हुआ, वो बिल्कुल न्यू स्टाइल है। बैक से देखिए आप, ये बिल्कुल सादा है एयरलाइन शेप में और फ्रंट से जिसकी जो है वो पेटी के ऊपर जो चुनटे आ रही हैं बॉडी के नीचे से आ रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। ये कैप्रीस का है जो इसमें भी हमने यही कंट्रास्ट वाला कपड़ा जो है वो डाला है। तो नेक्स्ट जो मेरी फ्रॉक्स हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए सेंटर में जो हमारी ये एक कैपरी का कपड़ा था जो हमने दो फ्रॉक्स में लगाया, एक कैपरी के कुंदों का कपड़ा था जो देखें प्रिंटेड गोल्डन का और ब्लैक कलर का, तो उसके साथ हमने सादा ब्लैक लिया और गोल्डन का टच दिया। इसमें चकमा डोरी मैंने इसमें इस्तेमाल की है और टसल्स लगाए हैं गोल्डन, तो बहुत ही प्यारी ये माशाल्लाह क्यूट फ्रॉक लग रही हैं आपकी ईद के लिए, बेहतरीन डिज़ाइनिंग है। एक कैपरी की जो चार कुंदियाँ होती हैं वो मैंने दोनों फ्रॉक्स में लगाई हैं, आगे भी और पीछे भी लगाई हैं मैंने, बहुत ज़बरदस्त इसकी डिज़ाइनिंग की गई है। आप अपनी बनाएं ऐसी बच्चियों की, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा सूट करेगी, पहनी हुई भी देखें बहुत ज़बरदस्त लग रही है। बैक साइड से जो है वो हमारा सादा है, फ्रंट पर मैंने हल्की हल्की कोनों के ऊपर वो लगाई है और इसको स्टाइलिश सा लुक दिया है। तो प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है, ये देखिए मैंने फ्रंट में बाजुओं में भी ये मैंने कली डाली है जैसे मैंने फ्रंट में डाली है। प्लीज़ प्लीज़ व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को, अगर एक भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगा है तो। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त ये टसल्स के साथ लग रही है बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में। बैक साइड देखिए, इसकी बैक साइड सादा है लेकिन बैक साइड में भी कलियाँ हैं और जो फ्रंट में मैंने नोकों के ऊपर वो लगाई है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।